पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूजी, पीजी और पीएचडी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 2411 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई, जबकि 70 स्टूडेंट्स को पदक दिए गए। वेटनरी स्नातक रोशनी और कृषि स्नातक सुरभि को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया। साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल गुरमित सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हिस्सा लिया। बता दें कि कोरोना के बाद पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दीक्षांत समारोह में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 और 21-22 के यूजी के 1,269, पीजी के 963 और पीएचडी के 271 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई, जबकि 26 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक और 22 कांस्य पदक सहित विभिन्न अवार्ड भी समारोह में वितरित किए गए। ऊधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुँची हूँ। विश्वविद्यालय की चौथी दीक्षांत समारोह जाने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में, मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्ज्वल दिखाई देता है। आज का दिन अलग ही था। आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन, 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2,503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया।